इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पास नोएडा से, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि लोगों को लिफ्ट देने के बहाने ये उनके साथ लूटपाट किया करते थे। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि इस गैंग के ऊपर लूटपाट के 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संसद की रूल बुक को उठाकर फेंक दिया गया है। महासचिव की मेज पर चढ़कर जोरदार हंगामा किया गया है। पूछना चाहती हूं कि जब 600 किसानों की शहादत हो जाती है तो उनके आंसू नहीं निकलते? उनके आंसू उस दिन नहीं निकले थे जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था? कम से कम वो लोग आंसुओं का निरादर ना